हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों का जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी जो फॉरेस्ट्री चल रही थी, है ना, उसमें आप लोगों का वन प्रकार चल रहे थे। और यहाँ से मैंने आप लोगों को कुछ समूह बता दिए थे, जैसे कि 6 समूह आप लोगों के हो गए थे, ठीक है ना। एक समूह आप लोगों को लाइव में बताए थे और 5 समूह आप लोगों को यहाँ पर मैंने अभी वीडियो में दिया है, ठीक है ना। और यहाँ से जो भी कुछ हमारे समूह बचे हुए हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे और इस वीडियो में ये लेक्चर आप लोगों का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। समूह आप लोगों का जो 7 नंबर है कौन सा है, उष्ण देशीय शुष्क सदाहरित वन, ठीक है ना, जिसमें कि आप लोग तापमान याद रखेंगे ये वाला, और इसका वर्षा आना वार्षिक वर्षा जो है वो कितना होती है ये याद रखिएगा, और इसका जो समय होता है वो कितना होता है बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये समूह आप लोगों का 7 कंप्लीट हो गया था ना। समूह 8 आप लोगों का कौन सा देखिएगा, उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन, जिसमें की फर्स्ट उप समूह है देखिएगा, उप समूह 8A है ना, दक्षिणी उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, जिसमें कि है ना जो तापमान वगैरह जो भी चीजें हैं ये सारी आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी हुई है, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसको मैं स्पीड में चला रहा हूं ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आप लोगों का 8A5C1 नीलगिरी उपोष्ण पहाड़ी वन, ठीक है ना, एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। उसी के आगे चलते हैं हम लोग, 8A5C2 है ना, पश्चिमी उपोष्ण पहाड़ी वन, और देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हैं, है ना। इसके बाद 8A5C3 मध्य भारतीय उपोष्ण वहाँ पहाड़ी वन, ओके। और इसके बाद देखिएगा इसका थर्ड उपसमूह है यहाँ पर, उपसमूह 8B है ना, 8B उत्तरी उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन, और इसमें दो चीजें हैं, बस दो हैं, कौन सा देखिएगा, 8B/C1 है ना, पूर्वी हिमालयी है ना उपोष्ण क्लिन पहाड़ी वन, और इसके बाद दूसरा है आप लोगों का 8B/C2 खांसी है ना क्लिन पहाड़ी वन, ठीक है ना। अब यहाँ से समूह 8 आप लोगों का 8 जो है कम्प्लीट हो चुका है, समूह 9 हम लोग 9 पे चलेंगे, और कौन सा है, उपोष्ण पाइप वन, और इसमें आप लोग तापमान वगैरह और जो भी सारी चीजें हैं वो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहां से ये चीजें बिल्कुल क्लियर करना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि आप लोगों को वन प्रकार के बारे में यहां पर सीखना है, ठीक है ना। ये फॉरेस्ट्री है और इसमें ये चीजें सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम करेंगी, ओके। इसके आगे चलते हैं, देखिएगा जैसा कि यहाँ पर 9/C1 है ना, इसका पहला है हिमालयी उपोष्ण पाइप वन, जो कि कौन कौन से होते हैं, निम्न शिवालिक चौड़ है ना पाहन वन, ठीक है ना। और दूसरा आप लोगों का देखिए, चौड़ नहीं है, चीड़ है ना, क्या है, चीड़ है, ठीक है ना, चीड़ है ना, ठीक है ना। और इसके बाद देख लीजिएगा अगला है आप लोगों का ऊपरी या हिमालयी चीड़ पाइन वन है ना। और इसके बाद देख लीजिएगा इसका दूसरा और तीसरा यहाँ पर है ना, जो पहला हो गया, पहले के दो हो गए, फिर दूसरा यहाँ पर 9/C2 है ना, 9/C2 आसाम उपोष्ण पाइप वन, ठीक है ना, पाइन वन। अब यहाँ से आप लोगों का ये समूह 9 जो 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। समूह 10 यहाँ पर देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे कौन सा है यहाँ पर, जैसा कि उपोष्ण शुष्क सदाहरित वन, और इसमें देख लीजिएगा 800 से 1000 मीटर ऊंचाई पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम लोग समूह 11 पर पहुंच चुके हैं और ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। समूह 11 देखिए कौन सा है, बहुत ही स्पीड में चला रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाए। लाइव में अगर लगाया जाता तो कम से कम 2 लाइव में इसको खत्म किया जाता, 2 घंटे, है ना। तो क्या मतलब था, समूह 11 आप लोगों का पर्वतीय क्लिन शीतोष्ण वन है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है आप लोगों का उपसमूह 11 है दक्षिणी पर्वतीय क्लिन शीतोष्ण वन, ठीक है ना। आप लोग इसका अंदर का जो मैटर है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा लंबा मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है आप लोगों का उप समूह है ना 11B है ना, उत्तरी पर्वतीय क्लिन शीतोष्ण वन, और इसके बाद इसमें तापमान वगैरह जो भी वर्षा दिन जो भी सारी चीजें हैं वो देख लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक है ना। यहां पर बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी, आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए चलते नेक्स्ट पर, आप लोगों का 12 नंबर पर पहुंच चुके हैं हिमालयी आद्र शीतोष्ण वन, और इसमें 4 से 5 और बचे हुए, बस ज्यादा नहीं बचे हुए, ठीक है ना। इसका 1400 से 3200 मीटर देख लीजिएगा, और ताप देख लीजिएगा 1 से 6 यहाँ पर 13 से 16 है और 1 से 6 है ना, ठीक है ना। और इसके बाद इसका देखिएगा पहला कौन सा है, 12/C1 है ना, निम्न पश्चिमी हिमालय शीतोष्ण वन, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें देखिएगा पहला कौन सा है, बान ओक वन के बारे में आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरा स्क्रीन में यहाँ पर चला रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये जो पेज है आप लोगों के लिए चला रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कि आप लोगों का देखिएगा पहला हो गया, दूसरा आपका मोरू ओक वन है, ठीक है ना, मोरू ओक वन 12/C1B, ओके। बस बिल्कुल यहाँ से हम लोग बिल्कुल लास्ट में ही आ चुके हैं, है ना, थोड़ा बहुत और बचा है, आद्र देवदार वन है, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला आपका इसी का है, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, ठीक है ना, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन। और इसके बाद इसका अगला और का है, आद्र शीतोष्ण पतझड़ी वन। और इसके बाद निम्न इसका नेक्स्ट है आप लोगों का निम्न तलीय कैल वन, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका दूसरा नंबर कौन सा है, देखिएगा दूसरा नंबर 12/C2 उच्च पश्चिमी हिमालयी शीतोष्ण वन दिया गया है, ठीक है ना।
और इसको एकदम अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं भाई। यहाँ से पूरी मैं कॉपी आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आप लोगों का देखिए 12/C3 पूर्वी, है ना, हिमालयी, है ना, ये तीसरा नंबर है हिमालयी मिश्रित शीतोष्ण वन। बस यहाँ से क्लियर हो गया, आप लोगों का समूह 13 पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर समूह 13 है आप लोगों का हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन, और इसके बाद अंदर इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें पहला आप लोगों का कौन सा देख लीजिएगा, 13/C1 शुष्क चौड़ी पत्ती वाला शंकुधारी वन। ये कौन कौन से वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है। 13/C2 ये दूसरा है आप लोगों का शुष्क शीतोष्ण शंकुधारी वन, और इसमें पहला है योजना पाइन वन, है ना, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा आप लोगों का है शुष्क देवदार वन, ठीक है ना, शुष्क देवदार वन के बारे में पढ़ लीजिएगा, देवदार वन आप लोग सबने नाम सुने। चलिए अगला देखते हैं इसका तीसरा 13/C3 पश्चिमी हिमालयी शुष्क शीतोष्ण पतझड़ी वन, ठीक है ना। अब देखिएगा चौथा आप लोगों का इसका कौन सा है, 13/C4 पश्चिमी हिमालयी उच्च तलीय शुष्क कैल वन, है ना। और फिफ्थ नंबर आप लोगों का इसका कौन सा है, 13/C5 पश्चिमी हिमालयी शुष्क जूनियर, है ना, जूनियर वन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है 13/C6 पूर्वी, है ना, देखिएगा पूर्वी पूर्वी हिमालयी शुष्क शीतोष्ण शंकुधारी वन है, ठीक है ना। अगला आप लोगों का 7 नंबर इसमें देख लीजिएगा 13/C3 पूर्वी हिमालयी शुष्क जूनियर, है ना, वर्च वर्च वन, ठीक है ना। अब देखिएगा फोर्थ और ये 14 नंबर, हम 14 पे पहुंच चुके हैं, उप अल्पाइन वन, बहुत ही इजीली यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिएगा बिल्कुल यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। देखिएगा इसका कौन सा है 14/C1 पश्चिमी हिमालयी उप अल्पाइन वन, है ना, देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें देखिएगा पश्चिमी हिमालयी उप अल्पाइन फर वन लिखा हुआ है, पश्चिमी हिमालयी वर्ष फर वन, है ना, ये दो होते हैं इसमें लिखे गए हैं इनके। और 14/C2 पूर्वी हिमालयी उप अल्पाइन वर्ष या फर वन, है ना, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं समूह 15 पे, चलते हैं समूह 15 पे अर्ध आद्र आद्र अल्पाइन गुल्म लिखा हुआ है, जिसमें पहला है 15/C1 वर्ष रोडो ड्रैंडॉन, है ना, गुल्म वन लिखा हुआ है। ये देखिएगा इसमें यह प्रकार, है ना, थोड़ा सा रीड कर देते हैं, यह प्रकार 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, इसकी प्रमुख प्रजाति रेडोडेंड्रॉन है। और 15/C2 पतझड़ी अल्पाइन गुल्म कौन सा है, यह प्रकार हिमालय में 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत वनस्पति 1 मीटर ऊंचाई की भोजपत्र तथा रोडोडेंड्रॉन की झाड़ी के रूप में होती है, ठीक है ना। अगला चलते हैं 15/C3 देखते हैं अल्पाइन गोचर कौन सा है, इस प्रकार में, है ना, प्रिमुला एनिमिनी, है ना, फ्रिटी लेरिया, है ना, आयरिस जेंटियाना आदि साग पतझड़ी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। बहुत ही लास्ट एकदम पहुंच चुके हैं समूह 16, है ना, शुष्क अल्पाइन गुल्म, देखिएगा बिल्कुल छोटा सा पढ़ना है इसको। इस समूह में इसी नाम का एक वन प्रकार 16/C1 है, यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तथा, है ना, कश्मीर में पाया जाता है। तो गाइस इस प्रकार से आप लोगों का जो हमारे ये चैप्टर था वन प्रकार वाला, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दो वीडियो में आप लोगों को मैंने पहुंचाकर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। मैं जानता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नजर दौड़ाना था, देखना था, इसीलिए मैंने वीडियो के रूप में आप लोगों को पहुंचा दिया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइव आकर, है ना, और चैप्टर आप लोगों का जो चलेगा वो लाइव में चलेगा, और आप लोगों को एकदम अच्छे से यहां वहां पर वो चीजें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ओके चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ओके धन्यवाद।